अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग टाइम। आज की हमारी रेसिपी है मैंगो डिलाइट, जो बहुत ही टेस्टी बनता है। मैंगो डिलाइट के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मैंगो क्यूब्स में कटे हुए मैंगो और एक पैकेट क्रीम लिया है मैंने। इनकी प्यूरी बनानी है। सबसे पहले ब्लेंडर में सबसे पहले मैंगो डालेंगे। एक प्याली मैंगो लिया है मैंने। इनके रफली क्यूब्स बनाए हैं मैंने, क्योंकि इन्हें ब्लेंड करना है। और एक पैकेट क्रीम ऐड करनी है, डाल लिया। ये एक टिन पाइनएप्पल का लिया मैंने, पाइनएप्पल जूस 3 टेबलस्पून ऐड करना है इसमें। थिक प्यूरी बनानी है इसकी, लिक्विड फॉर्म में नहीं बनानी। अब इसको ब्लेंड कर लेंगे। प्यूरी रेडी हो चुकी है, इस तरह से थिक फॉर्म में होनी चाहिए। अब इसमें एक प्याली मैंगो ऐड करूँगी क्यूब्स में कटे हुए। एक प्याली बनाना, एक प्याली पीच, एक प्याली पाइनएप्पल। बनाना और पीच की जगह आप अपने फेवरेट फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। इसको आप मिक्स कर देंगे। सारे फ्रूट्स प्यूरी में मिक्स कर लिए हैं। क्रीम को यूज़ करने से हाफ़ एन आवर पहले आप इसे फ्रीज़र में रख दें, ताकि ये अच्छी तरह से चिल्ड हो जाए। और जब हम इसे मैंगो में मिक्स करें तो इसकी लिक्विड फॉर्म ना बने, थिक फॉर्म बने। अब इसको गार्निश कर लेंगे। मैंगो डिलाइट बिल्कुल रेडी है। जेली और आलमंड से इसको मैंने गार्निश किया है। अब इसको हाफ एन आवर के लिए फ्रीज़र में रख दें, ताकि ये अच्छी तरह से चिल्ड हो जाए। आपको आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।